भोपाल में देश का चर्चित वन मेला शुरू हो गया है। इस मेले में वन उत्पाद के प्रदर्शन के साथ उनकी बिक्री भी की जाएगी। वन मेले में आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श भी दिया जाएगा। भोपाल में 24 से 28 जनवरी तक वन मेला चलेगा। 5 दिवसीय वन मेले को लेकर वन मंत्री नागर सिंह चौहान और वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने बताया कि लघु वनोपज से समृद्धि थीम पर आधारित इस मेले में 120 स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 19 वन धन केंद्र और 55 जिला यूनियन स्टॉल मुख्य रूप से रहेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद व मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों के साथ फूड स्टॉल भी यहाँ होंगे। श्री अन्न से निर्मित विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल भी यहाँ पर प्रमुखता के साथ लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेले में विभिन्न शासकीय विभागों की गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाएंगी। साथ ही मेले में चिकित्सा परामर्श भी दिया जाएगा, जिसके लिए 20 स्टॉल स्थापित किए गए हैं, जिसमें 40 आयुर्वेदिक वैद्य एवं चिकित्सक निःशुल्क परामर्श प्रदान करेंगे। वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने बताया कि 25 जनवरी को लघु वन उपज से समृद्धि विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला होगी, क्रेता विक्रेता सम्मेलन होंगे, साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। वन मेला छोटे स्तर पर आयोजित किया गया है, ये सही बात है। फिर भी हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी भाइयों बहनों को आमंत्रित किया है और छोटा जरूर है, लेकिन वन मेले में हमने अच्छे लोगों को आमंत्रित किया है। मुझे लगता है कि छोटा जरूर है, लेकिन वो अच्छे रूप में मध्य प्रदेश में आप सबके सामने दिखाई देगा। मैं आप सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आज हम सबके लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है कि कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्रीम प्रोजेक्ट है और आप सबको पता होगा कि पहले के समय में मोदी जी ने दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से 20 चीते वहां पर डाले थे कुनो में, और आज जो हमारा कुनो पार्क नेशनल पार्क है वहां पर भी ज्वाला जो चीता है उसने 4 ज्वाला चीते बच्चे जो आए हैं, हम सबके लिए खुशी की बात है। और ये जो चीते हैं ये मध्य प्रदेश की पहचान हिंदुस्तान ने विश्व में बनाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।